हेलो और वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के ठीक सामने है एसएससी या दसवीं इंग्लिश का वो क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम्स अभी सितंबर अक्टूबर 2021 में 2021 में महाराष्ट्र बोर्ड ने कंडक्ट किए थे। इस क्वेश्चन पेपर से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन कैसे करना है ये सॉल्व करना है। एक्चुअली हम ये क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, फुल सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली ये जो सेक्शन है, छठा सेक्शन है स्किल डेवलपमेंट, जो 5 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, ये वाला ए बी और सी तीन अलग अलग सेक्शन में है। ए आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए है, बी 2 मार्क्स के लिए है और सी 1 मार्क के लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी के साथ आराम से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं और ये मार्क्स ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि पूरे 80 मार्क्स के पेपर में सबसे सिंपल जो 5 मार्क्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 के हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग उर्दू मीडियम से हैं तो किस तरह से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो किस तरह हिंदी मीडियम में आप लोग इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, जो एसएससी या 10th इस क्लास के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ए है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए वर्ड्स आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपकी मदर टंग में। ओके, एनी 4 आप लोग देख सकते हैं, 6 वर्ड्स हैं और कोई 4 आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पर आपको 6 के 6 ट्रांसलेट करके बताता हूँ किस तरह से इन्हें ट्रांसलेट करना है। हम लोग क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये जो 6 वर्ड हैं, टेस्ट, नॉर्मल, ब्यूटीफुल, लाइटली, रिएक्शन और कॉन्फिडेंस, ये वर्ड्स इसी नंबर के साथ हम लोग आंसर पेपर पर लिखते हैं। अब देखिए, जो पहला वर्ड है टेस्ट, इसको उर्दू में आप लोग लिख सकते हैं टेस्ट, इम्तिहान या जांच। अगर आप लोगों को एक से ज़्यादा वर्ड्स पता हो उर्दू लैंग्वेज के अंदर या हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो आप बिल्कुल वो लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं टेस्ट, इम्तिहान या जाँच। दूसरा वाला वर्ड है नॉर्मल, इसकी उर्दू क्या होगी? आम। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम का आंसर बता देता हूँ। उर्दू में और हिंदी में दोनों में नहीं लिखना है। अगर आप लोग उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू में लिखना है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो ये वाले लिखना है। ओके, तो टेस्ट की हिंदी हम लोग जाँच लिख देते हैं, चलेगा। दूसरा वाला वर्ड है नॉर्मल, उर्दू में आप लोग कह सकते हैं आम। ओके, और हिंदी में हम लोग कह लेंगे सामान्य। तीसरा वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को आप लोग उर्दू में कह सकते हैं खूबसूरत और हिंदी में सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास में लाइटली, इसे कह सकते हैं आप धीरे से या हल्के से। हिंदी भी लगभग यही होगी इसकी। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास में रिएक्शन, उर्दू में रद्द अमल और हिंदी में प्रतिक्रिया। और लास्ट वाला है कॉन्फिडेंस, उर्दू में एतमाद या भरोसा कह लीजिए और हिंदी में विश्वास।
तो यहाँ पर जो 6 वर्ड्स दिए गए थे उन सभी को हमने ट्रांसलेट कर दिया है। ओके, अब ए के बाद हम लोग देखते हैं बी क्या है। यहाँ पर भी आपके सामने है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऊपर जैसा था सेम वैसे ही है, बट ऊपर आप लोगों को वर्ड्स दिए हुए थे, यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एनी टू कोई दो करना है, लेकिन ये सिंपल है, तो मैं आपको चारों सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से चारों का ट्रांसलेशन होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये चार सेंटेंसेस लिख लेते हैं आंसर बुक में, और फिर उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ। पहला है यूज़ डस्टबिन फॉर गार्बेज। सेकेंड है ईटेबल्स आर नॉट अलाउड। थर्ड है डोंट प्लक द फ्लावर्स। और फोर्थ है कीप द गार्डन नीट एंड क्लीन। ये हम लोग लिख लेते हैं। Use dustbin for garbage। अब इसकी जो उर्दू होगी वो कुछ ऐसे होगी कि कचरे के लिए कचरा डब्बे का इस्तेमाल करें। ओके, हम लोग यहाँ से लिखते हैं। और हिंदी वाला जो सेंटेंस है वो भी मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूँ, लगभग ऐसे ही होगा वो कि कचरे के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। हमारा जो सेकंड सेंटेंस था वो था Eatables are not allowed। इसकी उर्दू होगी खाने पीने की अशिया ममनू हैं। ओके, इसकी हिंदी होगी दूसरे वाले सेंटेंस की कि खाद्य पदार्थ मना है। ओके, हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है डोंट प्लक द फ्लावर्स। इसकी उर्दू होगी फूल मत तोड़िए। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, हिंदी में भी यही लिख देंगे फूल मत तोड़िए। ओके, हमारा फोर्थ सेंटेंस है कीप द गार्डन नीट एंड क्लीन। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं नंबर फोर। इसकी उर्दू लिख सकते हैं हम लोग बाग को साफ सुथरा रखें। ओके, और इसे हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग बगीचा साफ सुथरा रखें। ओके, अब हमारे पास में सबसे लास्ट वाला जो है सी है, हम देखते हैं सी क्या है। ये रहा सी आप लोगों के सामने, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स और प्रोवर्ब्स इन टू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनी वन कोई एक है, या तो वो कहावत है या मुहावरा है, उसको आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। हम लोग लिखते हैं माइंड इज राइट या एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। काफ़ी सिंपल है, आराम से लिख सकते हैं आप लोग। सी करना है हम लोगों को। लिखा हमने माइंड इज राइट, उर्दू होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदी क्या होगा? हिंदी भी यही होगा, यही लिख देते हैं हम लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सेकंड हमारे पास में जो था टू नंबर पर वो था एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ हम लोग वन कर देते हैं, एक्चुअली वन लिखना रहा था, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टू। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर उर्दू होगी तजुर्बा बेहतरीन उस्ताद है। यहाँ कर देते हैं हम लोग इसे नंबर वन और इसे नंबर टू। ओके, और हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन का नंबर हो या सब नंबर हो, जैसे ये सी है या ये टू है या यहाँ पर फोर है, तो ये आपको मार्जिन के इस साइड में लिखना है, अंदर वाली साइड में। ओके, और आपका जो आंसर रहेगा वो इस पोर्शन में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को जो है तो ऑन करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।